They run when they hear that the thing goes bang. Bang, do my ones or do a gang. Jump up cars or jump up bang. They run when they hear that the thing goes bang. Bang, do my ones or. तो हे व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक पीसी प्लेयर हो या फिर आप एक मोबाइल एडर प्लेयर हो, मोबाइल एडर मतलब आप अपने मोबाइल में ही कीबोर्ड और माउस को लगाकर फ्री फायर, पबजी इन सब का गेम प्ले करते हो, लेकिन आपका जो गेम प्ले है वो यहाँ पर गॉड लेवल नहीं हो पा रहा है, आपका जो मूवमेंट है वो यहाँ पर अच्छा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, मूवमेंट अच्छा ना होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपकी हैंड स्पीड। जैसे आप कीबोर्ड को लगाकर मोबाइल में खेल रहे हो या फिर आप पीसी में खेल रहे हो, तो उसमें भी भाई कीबोर्ड से ही खेला जाता है। तो अगर आपका कीबोर्ड पे आपकी जो हैंड स्पीड है, अगर वो आपकी हैंड स्पीड ही तेज नहीं है, तो भाई आपका मूवमेंट कैसा तेज होगा भाई। जैसे आप नॉर्मली एक साइकिल पर रोड पे चल रहे हो, तो जब तक आप अपने पैडल को तेज नहीं घुमाओगे, जब तक आपकी साइकिल तेज भगेगी क्या? नहीं भगेगी। अगर आप अपने साइकिल के पैडल को ही अपने पांव से भाई धीरे धीरे चलाओगे, तो भाई आपकी साइकिल तो ऑब्वियसली कि भाई धीरे ही चलेगी। उसी प्रकार भाई, अगर आप अपने कीबोर्ड पर अपनी हैंड स्पीड को भाई तेज नहीं करोगे, इंक्रीज नहीं करोगे, फास्ट नहीं करोगे, तो भाई कैसे यार आपकी जो मूवमेंट है, आपकी जो गेम प्ले है, वो कैसे इंक्रीज होगा? तो अगर आप इन सारी तकलीफों से परेशान है, आप करना चाहते हो अपनी हैंड स्पीड को इंक्रीज, जिससे आपका मूवमेंट और आपका गेम प्ले भी बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो जाए और आपके जो सारे दोस्त होने भाई वो यहाँ पर हैरान हो जाए। अगर आप भी ये करना चाहते हो अपने दोस्तों को इंप्रेस, अपना मूवमेंट दिखा के, अपनी हैंड स्पीड्स को दिखाकर कीबोर्ड पर, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं, यूज करके आपके कीबोर्ड पर जो फिंगर स्पीड है उससे ज्यादा आपकी जो फिंगर स्पीड है यहाँ पर बढ़ जाएगी। यानी आपका जो हैंड स्पीड है, आपकी जो फिंगर स्पीड है कीबोर्ड पर, वो आपके पहले के मुकाबले 10x फास्टर हो जाएगी, मतलब अल्ट्रा तेज हो जाएगी। तो भाई अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि यार फिर ये गेम प्ले जो चल रहा है बैकग्राउंड में ये किसका है? भाई मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो बैकग्राउंड में जो गेम प्ले चल रहा है भाई, ये मेरा ही है। मैं खुद अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर गेम खेलता हूं और गेम प्ले मेरा आपके सामने तो देख सकते हो भाई मैं किस प्रकार अपना मूवमेंट कर पा रहा हूं। कैसे ये सब पॉसिबल हुआ है? हैंड स्पीड के कारण, क्योंकि भाई मैं अपने कीबोर्ड पर इतनी फास्ट हैंड स्पीड चला रहा हूं ना, तभी भाई ये मूवमेंट हो पा रहा है। तो अगर आप भी ऐसा मूवमेंट करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। कैसे अगर आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक, यानी शुरुआत से लेकर आखिरी तक देख लेते हो, आई होप कि दोस्तों आप सभी के जो फिंगर स्पीड से पहले के मुकाबले तेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो को शुरू और आप सभी को बताते हैं वो प्रो टिप्स जिसको यूज करके आप अपनी हैंड स्पीड, फिंगर स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, साथ ही साथ अपने मूवमेंट को भी इंप्रूव कर सकते हो। गाइस वीडियो से करने से पहले यार मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई यार जल्दी से भाई हमारे भी 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो भाई, जल्दी से यार भाई हम भी अपने चैनल पर देखना चाहते हैं 10K YT सब फैमिली। जल्दी से भाई जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल वाला आइकन है उसे ऑल पे जरूर सेट कर दो। चलिए गाइस करते हैं वीडियो को शुरू और आप सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं हमारे टिप नंबर 1 जिसका नाम है दोस्तों टाइपिंग। या दोस्तों आप ये वाला टिप सुन के बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सरप्राइज हो रहे होंगे कि भाई ये कैसा टिप है। देखो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो भाई बहुत सारे जो पीसी प्लेयर्स हैं, मतलब मैं सबका नहीं बोल रहा, मतलब जो कुछ पीसी प्लेयर्स हैं या फिर जो कुछ मोबाइल एडर प्लेयर है, मतलब जो अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर गेम खेल रहे हैं भाई, उनमें से बहुत सारे बंदों को क्या टाइपिंग नहीं आती है। और आप सभी ने ऐसे बहुत सारे पीसी प्लेयर्स को देखा होगा भाई जिनको भले ही टाइपिंग ना आती हो, लेकिन उनकी जो फिंगर स्पीड है वो यहाँ पर कितनी ज्यादा तेज होती है। लेकिन भाई अगर आप एक न्यू प्लेयर हो तो आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग के बारे में पता होना चाहिए। टाइपिंग से मेरा मतलब ये है कि आपको जो कीबोर्ड का जो बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, यानी आपको उसको समझना पड़ेगा, मतलब कीबोर्ड पर फिंगर्स को जमाते कैसे, यानी हमारे लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स होती है, एक होती सबसे छोटी उससे बड़ी, फिर बीच वाली, फिर उससे थोड़ी सी छोटी, मुझे भाई फिंगर्स के नाम तो जैसे याद नहीं है, बट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये गाइस जो हमारी चार उंगलियाँ होती है, तो यहाँ से जो उंगली है गाइस ASDF ऐसा जमता है, जैसा कि अभी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है अपने फिंगर्स को कीबोर्ड पर रखना, यानी ए पर सबसे छोटी वाली, फिर ASDF ऐसे आपको फिंगर रखना है। अगर आप अपनी हैंड स्पीड को गेमिंग में इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड पर अपने फिंगर्स को बहुत ही सही तरीके से जमाना होगा। और इस तरह जब आप जमा लोगे और आपको थोड़ा बहुत बटन्स को याद रखने का कोशिश करना है, क्योंकि दोस्तों जो न्यू प्लेयर होते हैं ना उन्हें बेसिकली नहीं पता होता है यार कि किस बटन से हमें क्राउच करना है, किस बटन से हमें क्या करना है। और या फिर आपको थोड़ा थोड़ा खेलते समय भी हो गया, यानी आपको थोड़ा बहुत तो खेलते आता है, बट फिर भी दोस्तों आपको थोड़ा सा बटन याद रखने की जरूरत है। लाइक जैसे की मैपिंग करते समय आपने जैसे सी से क्राउच रखा, तो अभी आपको यहाँ पर बार बार कीबोर्ड को तो देखोगे ना कि भाई जब तक आप कीबोर्ड के बटन को देखोगे भाई सी यहाँ पर, तब तक तो आपको बंदा सी वाला हेडसेट लगा के चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग से मेरा मतलब ये है कि आपकी फिंगर जो है सही जमी होनी चाहिए और आपको थोड़ा बहुत बटन याद होने चाहिए। लाइक सी से क्राउच करना है तो भाई जैसे मान लो हमें क्राउच
टच करना है तो आपको स्क्रीन पर देखते रहना और भाई पता होना चाहिए कि भाई इस वाले फिंगर से हमें सी को प्रेस करना है, सी यहाँ है। तो जब आप उसको प्रेस करोगे तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा हैबिट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पर देखो गाइस एक तरह से दो निशाने हो रहे हैं, यानी दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आप गेमिंग में भी सही स्टार्ट कर लोगे और आपको जो है थोड़ा बहुत टाइपिंग का भी याद हो जाएगा कीबोर्ड का, है ना, बेस्ट है ट्रिक। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं हमारे टिप नंबर टू की, वो है दोस्तों की मैपिंग। गाइस की मैपिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी हैंड स्पीड फिंगर स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। जितना सिंपल आपका जो की मैपिंग होगा उतना ही बढ़िया आपका गेम प्ले होगा। और देखो भाई हमें नॉर्मली पता है कि जो एक मोबाइल प्लेयर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फोर फिंगर से खेल सकता है, ठीक है। लेकिन जो पीसी प्लेयर होता है भाई वो अपनी पूरी 10 की 10 उंगलियां लगा देता है गेम्स को खेलने। तो भाई उन 10 उंगलियों को वर्क करवाने के लिए आपको एक बेस्ट की मैपिंग की जरूरत पड़ती है। और जब आपकी की मैपिंग एकदम बढ़िया होगी, एकदम सिंपल होगी, तो आपका गेम प्ले कहीं जितना सिंपल आपका की मैपिंग उतना लेजेंड आपका गेम प्ले, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अगर आपको एक बेस्ट की मैपिंग चाहिए तो भाई मैंने उस टॉपिक पर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैंने आप सभी को उसमें अपनी खुद की मैपिंग बताई जो मैं यूज करता हूं, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन माने तो आप अपनी खुद की मैपिंग को भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि भाई खुद की मैपिंग पर क्या होता है कि हाँ हमें थोड़ा बहुत याद रहता है कि हमने इस वाले बटन को यहां रखा था तो हमें इसे प्रेस करना है तो यहां पर ये वाला काम होगा। एंड हां दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रियली में अपनी फिंगर स्पीड को हैंड स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको की मैपिंग के साथ साथ यहां पर मैक्रो का भी यूज करना होगा। मैक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे पास होता है मोबाइल एक, स्मार्टफोन एक होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो वर्क होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, यानी हम एक मोबाइल से कितने सारे काम कर पाते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार दोस्तों जब हम की मैपिंग में मैक्रो का यूज करते हैं तो हम केवल एक बटन को प्रेस करते हैं, हमारे काम जो गाइस मल्टीपल होते हैं। लाइक आप सभी ने पीसी प्लेयर्स की यहाँ पर इमोट को देखा होगा, कितनी फटाफट गाइस वो केवल एक ही को प्रेस करके रखते हैं और इमोट अपने आप लगता है। और आपने उनकी ग्लू वॉल को भी देखा होगा कि वो भाई जो ग्लू वॉल लगाते हैं, आपने पीसी प्लेयर की ग्लू वॉल तो देखिए कितना स्पीड उनका, कितना मूवमेंट रहता है ग्लू वॉल लगाने में भी, कितनी स्पीड लगती है देखा होगा। तो दोस्तों उस ग्लू वॉल स्पीड को देखकर कभी ना कभी आपके मन में एक सवाल तो उठा ही होगा कि भाई वो इतना स्पीड यानी कितनी जल्दी कितने फास्ट है ग्लू वॉल, भाई कीबोर्ड पर कैसे खटाखट हार्ड चलाते होंगे। लेकिन भाई वो लोग क्या करते हैं, मैक्रो का यूज करते हैं। लाइक जैसा ग्लू वॉल, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पहले हमें क्या करना पड़ता है, ग्लू वॉल को लेना पड़ता है, फिर अगर सेटअप लगाना है तो क्राउच करना पड़ता है, यानी दो बटन ही होगा, एक बटन से हम ग्लू वॉल लेंगे, एक बटन से क्राउच करेंगे, तीसरे बटन से लगाएंगे, देन चौथे बटन में हम क्या रन करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें देखो दोस्तों 4 बटन हो गए, अगर मैं आपको मेनली बताऊँ तो 3 ही बटन हो गए, ठीक है। तो मतलब आपको 3 बटन इतनी फास्ट दबाना पड़ेगा जब जाकर कहीं जाकर आपका एक बार सेटअप ग्लू लगेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। लेकिन मैक्रो में क्या होता है कि वही यहाँ पर एक बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली ग्लू वॉल लेकर यहाँ पर सेट कर लेगा। ये होता है दोस्तों मैक्रो का कमाल। और आपके पास एक बटन से ग्लू वॉल लगाना है और फिर रन आपको इजीली कर लेना है, यानी आपको देखो यहाँ पर केवल मैनली बताऊँ तो यहाँ पर आपको केवल 3 ही बटन का यूज करना पड़ रहा है। आप जैसे एक की को प्रेस करोगे तो आपको कैरेक्टर जो है ऑटोमेटिकली ग्लू वॉल लेकर यहाँ पर क्राउच कर जाएगा, मतलब ग्लू वॉल लेकर ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा केवल एक बटन के प्रेस करने से। ये होता है दोस्तों मैक्रो कमाल, फिर आपको लगा के रन कर लेना है। तो देखो भाई मतलब कितना डिफरेंस आ गया नॉर्मल की मैपिंग में और मैक्रो की मैपिंग। मैक्रो करने से दोस्तों क्या होता है कि हमें कम बटन को प्रेस करना होता है और हमारे काम बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, कारण हमारा समय भी जो है बहुत ज्यादा बचता है और हम और बटन्स को प्रेस करके अपने जो और वर्क है उनको भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी जो बड़े बड़े पीसी प्लेयर से और जो मोबाइल लेडर प्लेयर, अगर आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर गेम खेलते तो भी आप ये कर सकते हो, और अगर आप एक पीसी में कर लो तो भाई डेफिनेटली आप करोगे ही। तो भाई जो बड़े बड़े पीसी प्लेयर्स होते हैं ना उनका यही सीक्रेट होता है, वो मैक्रो का यूज करके भाई इतना फास्ट मूवमेंट करते हैं और आप सभी को लगता है कि वो कितने ज्यादा बटन को भाई कितनी फास्टली बटन को प्रेस करते होंगे। दोस्तों अगर आपको मैक्रो के बारे में पूरा जानना है, इमोट लगाना, फास्ट सेटअप ग्लू लगाना, तो मैंने उस टॉपिक पर भी एक ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लेना। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे टिप नंबर 4, वो भी लास्ट टिप। दोस्तों ये टिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मिस मत करना। दोस्तों हमारे टिप नंबर 4 का नाम है प्रैक्टिस। गाइस एज यू नो प्रैक्टिस इज द की ऑफ न्यू स्किल्स लर्निंग। शाबाश बेटा, क्योंकि भाई बिना प्रैक्टिस के देखो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर आपको अपनी हैंड स्पीड को, अपनी फिंगर स्पीड को भाई इंक्रीज करना है, सब ट्राई करो कि 1v2, 1v3, 1v1 ऐसा कुछ खेलने का, क्योंकि जब आपका अपोनेंट प्लेयर होगा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि भाई अगर आपको पता है कि हम बंदे को नहीं मारेंगे तो हमारा अपोनेंट हमको मार देगा, तो वहाँ पर आपके क्या हो जाती है दोस्तों, एक मजबूरी टाइप हो जाती है कि आपको अपनी फिंगर स्पीड हैंड स्पीड को तेज चलाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है आपकी किसी भी स्किल्स, गेम प्ले, भाई किसी भी चीज को सीखने के लिए गाइस प्रैक्टिस जरूर करना। आई होप कि दोस्तों आप सभी को इस वीडियो से काफी कुछ ज्यादा सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से जरा सभी सीखने को मिला हो तो भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपकी वजह से आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल सके। एंड भाई इस वीडियो में मैंने अपनी वो सारी सीक्रेट्स को शेयर किया जिसे मैं खुद पर्सनली यूज करता था और अभी भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा अपने गेम प्ले को इंप्रूव करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास में जो बेल वाला आइकन है उसे भी ऑल पर जरूर सेट कर देना। एंड भाई भूलना मत यार
हमारे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के, तो भाई जल्दी से जल्दी यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो बाय बाय।